हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 6.2 एक्सरसाइज है, उसका हम टॉपिक कर रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का पहले इसके नेम से ही हम समझते हैं कि सबसे पहले मल्टीपल्स, हमने मल्टीपल्स निकालने सीखे थे ना इससे पहले। मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे हमने 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 20, 30, 40, ये सारे जैसे जिसको 2 के साथ ऐसे पूरी काउंटिंग को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो 2 के मल्टीपल्स निकल आएंगे। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 थाउजेंड तक। जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि 2 को किसी भी मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो मल्टीपल ही होगा 2 का। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल हमें पता है। कॉमन का मतलब जो दोनों में सांझे होंगे, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा सांझा मल्टीपल हमने पता करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LCM। ठीक है, अब हम पता करते हैं LCM। सबसे पहले हम मल्टीपल वाला वर्ड उठाते हैं। मल्टीपल, जैसे मान लीजिए फाइंड द LCM ऑफ 2 एंड 3। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमने 2 एंड 3 का पता करना है। सबसे पहले आप मल्टीपल पता करें, 2 के कुछ मल्टीपल लिख लें, जैसे 10 तक लिख लें, 11, 12, 15 तक लिख लें, आपकी मर्जी है। मैंने 2 के मल्टीपल्स लिखे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 तक कर दिए, तो ये सारे 2 के क्या होते हैं, मल्टीपल्स। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसी का टेबल उसका मल्टीपल ही होता है, 2 का टेबल। 3 का टेबल या 3 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से, 3 को 3 से, ठीक है, 10 तक, 11, 12, मैंने 10 तक ही निकाले हैं। ठीक है, तो 3 का टेबल 3 का मल्टीपल होता है। अब हम उठाते हैं कॉमन वर्ड को। कॉमन का मतलब सांझा। अब इसके मल्टीपल और इसके मल्टीपल में हम जो एक जैसे नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, उनको हम सर्कल कर लेंगे। जैसे 3 के टेबल में 6 सबसे पहले आ रहा है ना, इधर 2 और 3 मैच नहीं करते, 4 भी नहीं है, तो 6 इधर भी है, इधर भी है, तो हमने इसको सर्कल कर लिया। अब 8, 10 इधर है, इधर नहीं है, इधर 9 है तो इधर नहीं है, तो हमने देखा 12 है वो इधर भी है, 12 इधर भी है, उसको भी सर्कल कर लिया। अब ये कॉमन है, इधर 18 आ गया और इधर भी हमारे पास 18 दिखाई दे रहा है, 14, 16 इधर नहीं है, 15 इधर नहीं है, तो 18 एक जैसा रहा। ऐसे आगे आगे और भी निकालेंगे तो और भी काफी कॉमन आपको नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए जो हमने सर्कल किए थे, 6, 12, 18। अब पहले वाला अक्षर उठाते हैं लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब होता है इन सारे कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा, जो सबसे पहले हमें दिखाई दिया था वो कौन सा है, वो है हमारे पास 6। तो LCM कितना आ गया बेटा, 6। ठीक है, तो बस इसी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस है। थैंक यू।